कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई वाज टेलिंग यू ऑन दैट डे आल्सो कि इंपॉर्टेंट है मिस मत करना. रीजन इज सिंपल इनफ, यू नो, यू कैन नॉट हैव अ पेपर अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. इनफैक्ट इट कैन बी रिलेटिंग टू एनी ईयर, मतलब किसी के भी करिकुलम में अगर इस चैप्टर को डाल दो ना तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना. कंसोलिडेशन क्या है पता है? वी हैव अ होल्डिंग कंपनी एंड वी हैव अ सब्सिडियरी कंपनी. उतने थियोरी में जाना नहीं है कि होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है. एक सिंपल लॉजिक हमारे लिए काफ़ी है कि होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी. परफेक्ट है ना? नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट एंड शेड्यूल 6, अ होल्डिंग कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड अ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड का मतलब है कि अपने कंपनी में दूसरे कंपनी का भी पार्ट्स दिखाना. सो दैट इज़ नोन एज अ कंसोलिडेशन. तो हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना है. पीएनएल अकाउंट में हम लोग लेटेस्ट स्टेजेस पे जाएंगे. इनफैक्ट अब तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है कंसोलिडेटेड पीएनएल का. दे हैव ऑलवेज बीन आस्किंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओनली, बिकॉज पीएनएल को कंसोलिडेट करना बहुत ईजी है. जो भी कुछ लर्न करना है वो सब कुछ कहाँ पे लर्न करना है? हमें सिर्फ बैलेंस शीट. सो एवरी टाइम ऑफकोर्स दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग, देयर हैज़ नो ईयर और नो ईयर हैज़ बीन गॉन जहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो इसका. एंड दैट टू ना सिंपल लॉजिक के हमारे में 15 मार्क्स स्ट्रेट. परफेक्ट है एकदम. इस टाइम भी क्वेश्चन था एंड वॉज वेरी सिंपल एक्चुअली. नाउ वी विल ऑलवेज गो टिल द मैक्सिमम पॉइंट. व्हाट हैव आई डन इज पुट मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन योर शीट. इट डिपेंड्स अपॉन बाय व्हाट टाइम वी आर कंफर्टेबल. मैं हर एक चीज़ों के कवर्स करूँगा. बाकी सब चीज़ें थोड़ी होमवर्क में यहाँ वहाँ पे हम लोग डालेंगे, बिकॉज मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन डाले. इफ यू कैन लुक एट द शीट, आई हैव गॉट 32-35 क्वेश्चन एक्चुअली. बट दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, एटलीस्ट एट दिस चैप्टर. समबडी टेल्स मी 15 मार्क्स श्योर है ना, तो लेट्स नॉट लीव इट एनी टाइम अहेड. परफेक्ट है ना? दो बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, बट द बैलेंस शीट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वर्टिकल फॉर्मैट, रिवाइज शेड्यूल 6. तो एक छोटा सा डिस्कशन पहले उस पर स्टार्ट करते हैं, देन वी गो हैड टू कंसोलिडेशन. परफेक्ट है ना? सो फुल रिवाइज शेड्यूल 6 है, बिकॉज वील हैव पीपल हु हैव डन फ्रॉम द PCC पार्ट और समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने रिवाइज शेड्यूल 6 शायद नहीं किया हो, और किया है तो भी बेस्ट है. पर एक छोटे मोटे पॉइंट्स वैसे भी एड अप लेस अप होने वाले, सो वी नीड टू लर्न दैट. सो फर्स्ट अ बैलेंस शीट का पार्ट. एक पूरा बैलेंस शीट प्रिंट करके दिया मैंने आपको, इफ़ यू हैव इट. है नहीं है? वी डू ना. फर्स्ट वन. Now you all know how many parts of the balance sheet do we have? Two. Now that's what I changed it from the first level itself. We have always been saying that balance sheet has actually got two parts, but right from the beginning I always tell my people that there are three parts of the balance sheet, not two. हाँ, division तो two में ही होता है, tallying amount दो ही आते हैं. मतलब ऐसे starting से ये मत सोचना कि हम लोग तीन amounts निकालेंगे. But my logic is very simple. We have got first part that is known as equity. Second part that is known as liabilities, and third part that is known as assets. Perfect hai na? In fact, very first day when you would have started accounting also na, sabne ek formula sikha hoga, that is capital is equal to assets minus liability. Aur fir wahan pe ek objective bhi padha hai ki ye formula aaya kahan se, to bolta hai balance sheet se. Aur fir aage jaake sab log balance sheet ko kitne part mein divide kiya hai? Do. But actually it is not two parts, it is. इवन अगर आप टी फॉर्मेट की बात करोगे तो वहाँ पे भी तीन पार्ट्स था, यहाँ पे भी तीन पार्ट्स है. एंड वी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इक्विटी, लायबिलिटीज, असेट्स. परफेक्ट है? इक्विटी और लायबिलिटीज हम लोग दोनों साथ में ही लिखेंगे ना, बिकॉज दे बोथ विल हैव क्रेडिट बैलेंसेस. सो इक्विटी और लायबिलिटीज अगर आप साथ में लिखोगे तो डेफिनेटली वी से कि वो एक साइड आ गया और एक दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ गया? असेट्स. एंड हेंस वी से इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. But to be fair enough, you know, ये चीज़ मैंने लर्न किया the first time I went into an interview myself, huh? And my boss asked me how many parts of the balance sheet do you have? But that time also I told him 3. तो बोलता है you are the only person who have answered me this. और ये लोग कुछ पूछे ना अपने को तो definitely there has to be some ting to it ना. वो ऐसे तो नहीं पूछेगा रे ये करके तो भी दो part of balance sheet पूछ रहे, something like that. So ऐसे workout कर रहा है. Equity, liabilities and what? Assets. Now look at equity part. इक्विटी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स में एक नई चीज दिखेगी हम लोग को पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, वो है पॉइंट नंबर 3. कैन यू सी दैट?
What is that? Minority? Pakka na? First part kaun sa hai? We all know what is share capital. Second? Koi doubts nahi. Third? Particularly related to this chapter. Definitely agar aap aur koi chapter karoge to ye cheez nahi dikhenge. Now what is minority interest? Just a brief thinking. Matlab hum log koi chapter ko touch bhi nahi kare, but just a brief thinking. Kya lag raha hai sunke? Minority interest? Now I told you a holding company holds more than 50%, but does it mean that it holds 100%? Now for example, if I say it holds 80%, that means 20% is nothing but what? The minority interest. If I tell you the holding company holds 75%, that means 25% is held by whom? Minority interest. And we will always say it is minority, na? Before controlling interest, to hamare paas hai na? To baad mein jo kuch bhi bachta hai, wo kaun sa interest bachega? Minority. Chalo, continuation. So, are you understanding that word minority interest? Kaise karna hai, wo sab hum log dekhenge. But ek naya inclusion hai. So, now we need to understand, one is the share capital, second one is reserves and surplus, and third one is minority interest. Perfect, ekdam. Okay, then what is the next part we have? Liabilities. And what do we say now? Liabilities and assets. Revised Schedule 6, if anybody understands, guys, it is much more simple than the other parts. Much more simple, huh? In fact, assets and liabilities. Now we talk about assets and we talk about liabilities. So liabilities ko do mein divide karna hai, assets ko do mein divide karna hai. First one is what? Non-current, current, non-current, current. और उसके अंदर के जो पार्ट्स भी है ना वो मॉकिंग है. मॉकिंग का मतलब जो ऊपर लिखा है ना वही हम लोग ने नीचे लिखा है. डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो जाएगा. व्हेन वी से नॉन करंट इट्स लॉन्ग टर्म एंड दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म एंड मच मोर फ्लेक्सिबल टू फॉलो ऑल्सो यू नो बिकॉज यहाँ पे कोई कोर डेडलाइंस नहीं. इट्स वेरी सिंपल. एनीथिंग पेएबल आफ्टर अ ईयर बिकम्स अ लॉन्ग टर्म. एनीथिंग पेएबल विद इन अ ईयर इट बिकम्स व्हाट शॉर्ट टर्म. इनफैक्ट आप पहले वाला शेड्यूल 6 देखेंगे ना तो वहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे भी है. इनफैक्ट वी विल गो इनसाइड एंड वी कैन से सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. बट द लॉजिक इज इवन इफ द सिक्योर्ड इवन इफ समथिंग लाइक डिबेंचर इज पेबल विद इन अ ईयर देन इट कैन बी नो लॉन्गर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म. इट हैज टू बी ट्रीटेड एज वॉट शॉर्ट टर्म. परफेक्ट ना. वहाँ पे ऐसे क्लासिफिकेशन करने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी ओल्ड शेड्यूल 6 में. यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास. सो वी टेक इट अहेड. फर्स्ट वन नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज वॉट non-current liability sub bifurcated into four parts. Now what is the first part? Long-term borrowings. Second, deferred tax liability. Third, other non-current liabilities. And the fourth one? And I would maintain in this classroom ki hum log A, B, C, D hi yaad rakhe. Format flexible hai. In the sense ki agar format ka koi bhi part mein koi amount nahi aata to aap nahi likhenge to chalega. Now something like a deferred tax liability हमारे सी एफ एस में कहीं दिखेगा ही नहीं आपको. सो हम लोग वो डिफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे. परफेक्ट है ना. बट आई विल स्टिल मेंटेन द वर्ड्स इन द सेंस यू नो आई विल से ए बी नहीं आ रहा है तो बी निकाल दो पर नेक्स्ट सी ही लिखेंगे हम लोग. तो आपको है ना पूरा फॉर्मेट याद रह जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड वो ए बी सी डी. थोड़ा एब्सर्ड लगता है. पीपल थिंक कि हम लोग बायटिंग कर रहे बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट. देर इज नो वे आउट. परफेक्ट ना. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो आपको वो एक्सेल शीट रेडी मिलता है. कट कॉपी पेस्ट कर लो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एग्जामिनेशन में भी. सो आई विल मेंटेन द वर्ड्स आल्सो. नाउ फॉर एग्जांपल अगर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ रहा है तो ठीक है. बी नहीं है तो मैं नेक्स्ट वर्ड बी नहीं लिखूंगा. मैं सी लिखूंगा. अगर सी भी नहीं है तो मैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा लिखूंगा? डी. ताकि हम लोग को याद रहे कि वो ऐसे ही फोर पार्ट्स है. एंड आई एम टेलिंग यू नो दे आर मॉकिंग. अभी यहाँ से देखो फोर पहला कौन सा था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी उसकी जगह पे यहाँ पे है ट्रेड पेएबल्स. अदर नॉन करंट लाइबिलिटी तो यहाँ पे है अदर करंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स तो यहाँ पे है. मॉकिंग ही तो है वो. जहाँ पे भी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और यहाँ पे भी ऐसे ही है. डिफर्ड टैक्स असेट आता ना उसको रिप्लेस करके करंट डाल दो. करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज जो हमारे पर्टिकुलर्स होते हो. सिंपल है ना. Are you able to understand the format? Much simple now. You tell me now. Don't read into there. First one, yahan pe kaun sa? Long term borrowings. Short term borrowings. Deferred tax liability. Deferred. Other non-current liability. Other current liability. Long term borrowings. Short term provisions. Khatam ho gaya. So we are done with the liability side. Now we go to which side? Assets. Ye bhi mocking hi hai. Same. Jaise yahan pe knock kiya hai, waise yahan pe bhi karenge aap.
सिंपल फर्स्ट वन यहाँ पे कौन सा आएगा नॉन करेंट एसेट में फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स देयर आर फोर फर्स्ट वन टैंजिबल्स इनटैंजिबल्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनटैंजिबल एसेट अंडर आई होप यू नो ऑल फोर ऑफ देम टैंजिबल्स क्लियर है इनटैंजिबल्स गुडविल आएगा मेन है परफेक्ट ना बिकॉज ये क्वेश्चन में गुडविल से हमें बहुत काम करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व कोई भी कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में आ जाओ सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए गुडविल एंड कोई भी कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में वो दो से तो खेलना ही होता है सो गुडविल बिकम्स एन इनटैंजिबल एसेट कैपिटल रिजर्व विल कम अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस सो टैंजिबल इनटैंजिबल व्हाट इज थर्ड वन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाउ व्हाट इज फोर्थ वन व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ongoing projects not a right word exactly construction of any asset but building also not for the residential purpose or it should be for the office purpose but any tangible asset under construction that is known as a capital work in progress any intangible asset uske liye alag se line hai intangible assets under development perfect ekdam chalo next abhi yahan pe aap log ne fixed asset likha do you think we have anything like a fixed asset here in current फिक्स्ड असेट नहीं ना तो वो स्किप हो जाएगा पूरा यहाँ पे फिक्स्ड असेट है यहाँ पे उसके सामने कुछ भी नहीं है चलो यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स व्हाट इज देयर करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर डन फॉर मोर देन वन ईयर डेफिनेटली वो नॉन करंट एंड दिस वन बिकम्स व्हाट करंट यस और नो चलो नेक्स्ट यहाँ पे डिफर्ड टैक्स अभी वो डिफर टैक्स असेट आ गया तो अपने को रिप्लेस करके इधर करंट असेट्स डालने हैं भाई एंड देर आर थ्री अभी ट्रेड रिसीवेबल से भी पहले आएगा इन्वेंट्री देन वील हैव ट्रेड रिसीवेबल एंड देन वील हैव कैश एंड इक्विवेलेंट नाउ दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिफर टैक्स असेट एक्चुअली मुझे फॉर्मेट ऐसे ही याद रहता है इफ यू स्टॉप मी ऑन द रोड एंड आस्क मी सर फॉर्मेट बोलो आई कैन नॉट टेल इट मेरे को ये मॉकिंग ही याद रहता है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे डिफर टैक्स असेट उसका रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड इक्विवेलेंट इन्वेंट्री स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल वैसे ही वहाँ पे ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल परफेक्ट है नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे अदर नॉन करंट असेट्स अदर नॉन करंट असेट्स में वी कैन हैव मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो हमारे टी फॉर्मेट में या पहले के शेड्यूल सिक्स में अलग से नाम था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वहां पे वो अलग से नाम नहीं है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ शुड अपियर इन अदर नॉन करंट असेट्स एंड इफ यू अज्यूम इट टू बी रिटर्न ऑफ इन वन ईयर देन इट शुड बी इन अदर करंट असेट्स परफेक्ट एकदम बोलो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ आइदर अदर नॉन करंट असेट्स और अदर करंट असेट्स हम लोग उससे छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग उसे रखेंगे अदर नॉन करंट असेट्स में और उसके नीचे एक नोट भी लिखेंगे कि अज्यूम नॉट टू बी रिटर्न ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इनटैंजिबल असेट्स का AS कहता है एक्चुअली कि ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इट शुड बी रिटर्न ऑफ बट हम लोग ने आपको एक चैप्टर सिखाया दैट इज नोन एज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगर आपको याद हो तो और वहां पे हम लोग ने सिखाया डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट फिर हम लोग ने सिखाया कि डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन तो रिडम्पशन एक साल में थोड़ी होने वाला है तो वहीं पर हम लोग आपको सिखा दे कि भाई रिडम्पशन के हिसाब से राइट ऑफ करना है तो वो राइट ऑफ एक साल में नहीं होगा थोड़ा एम्बिग्विटी है क्लियरेंस आया नहीं अभी तक कहीं से भी तो हम लोग फिलहाल उससे छेड़खानी नहीं करते और हम लोग उसे कहाँ पे रखेंगे अदर नॉन करंट असेट्स अच्छा एक और चीज था शेड्यूल सिक्स में वहां पे पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस एज अ माइनस फिगर एज अ और अगर वो माइनस फिगर से पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी माइनस हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट यू विल हैव टू पुट अ माइनस फिगर पहले के बैलेंस शीट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि कोई नेगेटिव फिगर आ जाए पर ये तो पहले माइनस फिगर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा उसकी वजह से पूरा रिजर्व एंड सरप्लस भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो बिंदास कोई टेंशन नहीं क्लियर विदाउट लुकिंग चलो ट्राई करते हैं फर्स्ट वन फिक्स्ड एसेट्स स्किप
non-current investments, current investments, deferred tax assets, inventories, trade receivables, cash and equivalents, long-term loans and advances. सिंपल ना, अभी सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, करंट असेट्स को नहीं ले रहा हूँ. ए फिक्स्ड असेट्स, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी डिफर्ड टैक्स असेट, डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई अदर नॉन करंट असेट्स. ई तक यहाँ से, ए करंट इन्वेस्टमेंट्स, बी इन्वेंट्री, सी ट्रेड रिसीवेबल, डी कैश एंड इक्विवेलेंट, ई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एफ जकास. क्लियर एकदम पक्का ना? बैलेंस शीट याद रहना चाहिए और एक चीज इंक्लूड किया, वो दिस दैट नोन एज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. डन. क्या दिया होगा क्वेश्चन में? कंसोलिडेशन करने की बात कर रहे हैं, नाम से कितना क्लियर है, बोल रहे कंसोलिडेट करो, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया होगा? सिंपल, दो चीजों का. सो वी विल हैव टू बैलेंस शीट्स गिवन टू अस. X, Y. Assuming X as a holding company. Assuming X as a holding company. Perfect एकदम. क्या करना है? Share capital, reserves, then loans, creditors, fixed assets, shares of Y, that is investments, stock, डेटा, कैश. बैलेंस शीट, एक रफ बैलेंस शीट बना है, कोई ज्यादा मिक्स एंड मैच नहीं किया. दोनों बैलेंस शीट ऐड करना, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना, एंड देर आर एक्सेप्शंस जिसके लिए मैंने पूरे स्टेप्स बनाए. अभी स्टेप्स जो मैंने तुम लोगों को लिखा है ना, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. वेरी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर ये 10 स्टेप्स फॉलो करोगे तो हो जाएगा. बट आई विल इंट्रोड्यूस दिस स्टेप्स टू यू प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दिस 10 स्टेप्स राइट नाउ ना, तो बहुत हाई लगेगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा. इमेजिनेशन नहीं जाएगा वहां तक. एक एक चीज उठाएंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. आर वी क्लियर विद दैट वन? हैव अ लुक एट योर स्टेप्स, जो स्टेप्स बनाए मैंने. इंट्रोडक्शन ट्रेन में पढ़ने का, स्टेप्स एंड पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. कैन वी स्टार्ट नाउ? ये भी ट्रेन में पढ़ना, पर एक बार मेरे समझाने के बाद. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द यूनिफॉर्म डेट विथ कॉमन अकाउंटिंग. एक छोटा सा वर्ड लग रहा है अपने को, इट्स लाइक अ टू लाइन थिंग, यू नो. ऑन अ यूनिफॉर्म डेट, वेन आई से ऑन अ यूनिफॉर्म डेट, इट शुड बी एग्जैक्टली अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, इट शुड बी प्रिपेयर ऑन द सेम डेट ना. कभी ये लोग अपने साथ खेलेंगे देल से, सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट ये डेट का है, होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट ये डेट का है, तो सबसे पहला काम होगा तुम लोग को वो दोनों बैलेंस शीट को एक पॉइंट पे लेके आओ. ऑफकोर्स बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम्स पे ये सारी चीज़ें होगी, बट दैट्स व्हाट द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज, कि उसके बिना तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर ही नहीं सकता हूँ. परफेक्ट ना? एंड सेकेंड, इट शुड ऑल्सो फॉलो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज. नाउ व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज? वंडरफुल, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल. डेप्रिशिएशन, वन कंपनी इज फॉलोइंग SLM, सेकेंड कंपनी इज फॉलोइंग WDV, मेक इट कॉमन. ऑफकोर्स होल्डिंग कंपनी अपना कोई चेंजेस नहीं करेगा, कौन चेंजेस करेगा? सब्सिडरी. तो सब्सिडरी के अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करके इफेक्ट दे के बैलेंस शीट बना के आगे चलेंगे. क्लियर है ना? सेकेंड, कंबाइन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट 100% वैल्यूज. ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज एट स्टॉक 10,000, 20,000, 30,000. यहां का 10,000, यहां पे 20,000, तो पूरा कंसोलिडेट करके कितना लिख दो? 30.
नाउ सब कुछ ऐड ही करना है, 100% पे ऐड करना है, ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट, बट व्हाइल डूइंग सो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर टू बी एलिमिनेटेड. फिलहाल मैं खाली टॉप हेडिंग्स पढ़ता हूँ, फिर बाद में रीड करेंगे उन सबको. फर्स्ट वन कौन सा? डेटर क्रेडिटर. सेकेंड कौन सा? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे ये सबको. थर्ड कौन सा? नाउ दैट थिंग वी आर गोना पिक अप. इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? सब्सिडियरी कंपनी. इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी. एम आई टॉकिंग अबाउट दिस शेयर्स? दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? सब्सिडियरी कंपनी. अभी इससे कैसे डील करेंगे हम लोग? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. सो वेन एवर आई प्रिपेयर दिस थिंग ना, अपना कंसोलिडेशन, हम लोग चार वर्किंग नोट्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, और वो धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस भी करते जाएंगे इसका मतलब क्या होता है. द फर्स्ट वर्किंग विल बी फॉर गुडविल, द सेकेंड वर्किंग नोट विल बी फॉर कैपिटल रिजर्व. फर्स्ट फॉर वॉट? कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट वन इज फॉर रेवेन्यू रिजर्व, एंड द फोर्थ वन इज फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट. फोर्थ वन इज फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये चार वर्किंग होंगे ऑलवेज, इसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता. पहला वर्किंग कौन सा होगा? सेकेंड परफेक्ट है. द क्वेश्चन इज गोना बी लेंथी, 15 मार्क ऐसे ही नहीं आएंगे अपने को. ये तो मैं अभी खाली वर्किंग नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके बाद बैलेंस शीट के नोट्स तो बनेंगे, वो अलग ही चीज़ है. अभी क्लियर विद दैट वन. और ये 32 क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो वो तुम्हारा 200 पेज का तयाल का बुक खत्म पूरा. अब तयाल वाले को पूछ लेना दूसरा बुक देते कि नहीं. नहीं देते क्या? सॉरी, 25 रुपीज़ श्रुति है ना. सोच लो अभी, 1, 2, 3, 4 कौन लॉस में भाई? कितना बोला आपने? तू 5 रुपये दे या तो तुम 5 रुपये रिटर्न ले लो. 1, 2, 3, 4 क्लियर एकदम? नाउ सी द वर्किंग एकदम. अब मैं एक रैंडम फिगर्स डाल रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट. एक्स के पास वाई के 80% शेयर्स हैं. कितने परसेंट शेयर्स? 80% शेयर्स हमारे पास है एट 1,20,000. एट 1,00,000 वाई के शेयर कैपिटल में जाके देख रहा हूँ तो इट इज 1,00,000 एंड लेट्स से शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब ये सिचुएशन से हम लोग कैसे डील करेंगे? 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम मीरा रोड आराम से जाएंगे आराम से. ये 120 पहले हम लोग लेके आएंगे. दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ माई होल्डिंग दैट इज 1,20,000. Of course, everybody would understand and appreciate that when I say 80% of the holding, that means actually I'm having how many shares? Number of shares, if I talk about it, 8,000 shares. But it's not necessary that I bought those 8,000 shares on face value. In fact, company hi wo share face value pe issue kare nahi kare, wo to company pe na. Aur maine to ye interest kab acquire kiya hai, wo bhi mujhe nahi pata. Main to market se bhi acquire kiya ho sakta. To mere paas ye 8,000 share kitne mein hai? 1,20,000. So I'm holding it at 1,20,000. परफेक्ट ना? माइनस माई होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर कैपिटल. ये 1,00,000 का टोटल शेयर कैपिटल है. 1,00,000 का टोटल शेयर कैपिटल, उसमें से मेरा कितना? 80,000. दैट इज 8,000 शेयर्स इंटू 10 ईच इज 80,000. बराबर है कि नहीं? एंड ये 20,000 किसका? माइनॉरिटी का. तो ये 120 में यहां से पहले लेके आऊंगा, यहां से मेरा जो होल्डिंग होगा वो 80,000 माइनस करूंगा. सो द आंसर कम्स टू बी गुडविल ऑफ हाउ मच? 40,000. सिंपल. मेरा होल्डिंग वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू कितना था? 120. पर एक्चुअल फेस वैल्यू के हिसाब से मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? खाली 80. दैट मीन्स आई हैव पेड देम एक्स्ट्रा. Consider to be a capital loss and that will be definitely going to what? Goodwill. Reverse scenario ho sakta hai. My holding can be at 60 and this holding can be at 80. So we'll not have a goodwill, we'll have a perfect na ekdam. This is how you are going to deal with what? Investments. Sare assets liabilities ko add karna hai. See, step number one is sare assets liability ko add karna hai, except intercompany transactions have to be wiped out. And what are the intercompany transactions?
डेटर क्रेडिटर निकाला, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल निकाला, वो सीखेंगे हम लोग जैसे ऐसे क्वेश्चन में आएगा, पर फिलहाल इसके बिना तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे डील करना, शेयर कैपिटल का स्प्लिट दिखाना है, जो माइनॉरिटी का जा रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो अपना है वो कहाँ से माइनस हो जाएगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बुक वैल्यू से। परफेक्ट है, चलो कंटिन्यूएशन नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनीज ऑन द असेट साइड ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड करस्पॉन्डिंगली अपियरिंग ऑन एज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी should be adjusted as under one, investment book value appearing on the amount less what thereof per subsidiary company, and the answer comes to what, goodwill or capital reserve. Note the portion of an equity share capital of a subsidiary company not held by the holding company and held by person other than holding company will be shown as what, perfect enough. And that's what I'm saying, an extreme care has been taken to write the notes also. So please, itna ho gaya to you have to be sure ki hum log ne CFS kiya hai pura. And nothing has been left out. Ye sab likh bhi raha tha na, she only told me one day, why don't you give it in writing? Ye sab main likh bhi raha tha na, to pure 32 questions jo tumhare sheet mein daala, number bhi nahi pata hai mujhe. Wo sab questions cover karne ke baad ek ek cheez daali yahan pe. Matlab nothing is going to be left out. Bible ki tarah ye do page ko sambhal ke rakhna. Perfect hai? चलो आगे जाते हैं। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग व्हाट, गुड्स। भूल जाओ पहले, वर्ड भी पढ़ेंगे तो थोड़ा खतरनाक लगेगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिख रहा है सब कुछ, बाद में सोचेंगे अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, बोनस भूल जाओ। फोर्थ क्या है, नेक्स्ट वन छोटा सा पॉइंट है, आराम से कवर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोनों कंपनी के बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है तुम लोग को, क्या करना, दोनों कंपनी के बैलेंस में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखेगा तो फर्स्ट वन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपियरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ द होल्डिंग कंपनी शुड बी शोन एज इट इज इन, अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज मिसेलिनियस एक्सपेंस। किधर आएगा मिसेलिनियस एक्सपेंस, अदर नॉन करंट असेट्स। परफेक्ट एकदम, कंटिन्यूएशन ऑफ इट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपियरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल लॉस। रैंडम अमाउंट्स देते हैं ताकि थोड़ा सोचने में अपने को अच्छा पड़ेगा। 200 and 100 अपना ही है, कोई टेंशन नहीं। 100 शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल लॉस। चलो कंसिडर कर लिया उसको कैपिटल लॉस, अब क्या करेंगे उसके साथ, चलो आगे पढ़ो। शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल लॉस, होल्डिंग कंपनी शेयर देयर इन शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व एंड आउटसाइडर शेयर शुड बी रिड्यूस फ्रॉम। भाई कितना है तुम्हारा होल्डिंग, कितना है, ये एग्जाम्पल लेके ही चलूंगा मैं, कितना है तुम्हारा 80%, तो ये 100 में से 80% अपना, 20% माइनॉरिटी का, अपना का कैपिटल रिजर्व से माइनस करो या तो भाई गुडविल में ऐड करो, दोनों सेम ही हुआ। एंड सेकेंड माइनॉरिटी का कहाँ, माइनॉरिटी से माइनस करो। श्योर ना, फिर से एक बार, अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अपना, और सब्सिडरी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैपिटल लॉस, अपना शेयर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी, खत्म। इज इट डन, चलो नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, ये भी आज ही करेंगे बट यहाँ तक रुक जाते हम लोग। फिर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं चाहिए, फिक्स असेट्स नहीं चाहिए, होल्डिंग कंपनी रिसीव्स डिविडेंड नहीं चाहिए, फाइनली गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, फाइनली पॉइंट नंबर 10, फाइनली गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व शुड बी वर्किंग नोट नंबर 1 किसका है अपना, और वर्किंग नोट नंबर 2 किसका है, सेट ऑफ होगा ना। कैन वी हैव टू थिंग्स इन बैलेंस शीट, कैन वी हैव अ गुडविल एंड अ कैपिटल रिजर्व बोथ इन द बैलेंस शीट, नहीं तो क्या करना है उसको, सेट ऑफ कर दो यार। गुडविल होगा तो गुडविल रहने दो, और कैपिटल रिजर्व होगा तो गुडविल होगा तो इनटैंजिबल एसेट्स में जाएगा, और कैपिटल रिजर्व होगा तो डन। श्योर एकदम, चलो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड एंड वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एज ऑफ नाउ। सिर्फ दो चीज सिखाया मैंने आपको, एक तो पूरे का पूरा बैलेंस शीट ऐड करना 100%, उसके अंदर से इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट सीखा। वो इन्वेस्टमेंट का ट्रीट करोगे तो क्या शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, रिजर्व्स शेयर कैपिटल की तरह ही फंक्शन करेगा ना,
Now, for example, if I put an amount of reserve 100 here, तो अपना कितना हुआ? 80. और उन लोगों का कितना हुआ? तो अपना शेयर कहाँ पे जाएगा? अपने पास. Either it will be a revenue reserve or it will be a capital reserve. और minority का जो शेयर होगा वो कहाँ जाएगा? Minority के पास. Sure है ना? आज का गेम प्लान एक ही है भाई. आज इफ आई एम देयर इन द क्लासरूम, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डील विद दिस इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू डील विद दिस रिजर्व्स. रिजर्व्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मिसलिनियस एक्सपेंस ओवर छोटी सी बात थी, इसलिए मैंने कवर कर ली. कोई प्रॉब्लम्स? कैन वी स्टार्ट इट? एक सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही रखे हैं मैंने. और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको मैंने क्लियरली दिया है. कैन यू सी अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट? उसके नीचे वर्किंग नोट्स एक बार खाली रेफर कर लो. एक बार, व्हाट इज वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर? वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर? और उसके पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व में नेट दिख रहा है ना लास्ट लाइन पे? मैंने कहा था गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आप नेट करोगे. सो नेट में क्या आने वाला है? 1-2 और वाइस वर्सा, ऑल्सो नोन एज व्हाट? एंड आई इंट्रोड्यूस दैट वर्ड. But 1-2 net, any net amount has to be known as what? Cost of control. ये लोग examination में पूछते हैं what is the cost of control. तो cost of control अपने हिसाब से will be 1 plus 1 minus 2 or net, whatever it can be. ये chapter करने के ना there can be like 50 ways. आप लोग कल भी मुझे पूछ रहे थे ना, the only thing for me is कि आप पहले कहीं lecture attend नहीं किए हो. Because you were there from the previous batch, अपना प्रबोध नायक सर का batch. So I was just wondering कि तुम्हारा method change ना हो जाए, इसीलिए मैं answer नहीं दे रहा था. Because ये chapter करने के there are like 100 ways. और अगर पहले कुछ किया और फिर ये adopt करना ना, has to be little bit difficult. Perfect है ना? अभी आप कोई भी practice manual या अपने modules भी देखोगे ना, वो लोग cost of control, cost of control, cost of control से solve कर रहे हैं. मैं उसको एकदम simplified format में goodwill और capital reserve डाल दिया और उसका net actually क्या आ जाएगा? सीधा cost of control. Continuation of it. What is third working note for? Revenue reserves. And what is fourth working note for? ये compulsory है. अभी आपका format कैसा होगा पता? First page पे balance sheet बनाएंगे और second page पे ये चार working notes बनाएंगे. ये दो पेजेस फिक्स हो गए अपने. मतलब कोई भी क्वेश्चन हो ना, बैलेंस शीट, फोर वर्किंग नोट्स, पेज नंबर 3 से आगे के वर्किंग नोट्स, और उसके बाद चाहिए तो हम लोग वो नोट्स बनाएंगे. बट 1 and 2 हैज टू बी श्योर. 1 इज बैलेंस शीट एंड 2 इज वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4. कैन वी टेक इट अहेड? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Following is a balance sheet of R&M Limited as on 31st March 2013. Share capital of R and share capital of M. Of course, ये question में ज़्यादा नहीं लिखा है, but assumptions अंदर से ही पता चल जाएंगे आपको. Share capital में 50 and what? Reserves में सिर्फ R का 10 है, M के पास कुछ नहीं है. Liabilities में 40 और 20. Total is 150. Asset side पे fixed assets 50 and shares of. Now this clarifies who's a holding company. R is a holding company and M is a and holding what? Pura 100% control apne paas hai. In that case, can I say there is absolutely no minority interest? There is no minority interest. Next one, current assets 20 and 10, miscellaneous expenses khatam. Prepare what? Consolidated balance sheet. Have a look here, huh? और बैलेंस शीट भी कैसा फ्लेक्सिबल बनना चाहिए ना. नाउ व्हेन आई सेड कि मैं फर्स्ट पेज और सेकंड पेज इसमें यूज करने वाला हूँ ना, तो आज रात को बैठ के ऐसे फॉर्मेट मत बनाने बैठना. हाँ, वरना मैच देखते देखते बोलेंगे सर ने 2 पेज फिक्स बोला है. और लास्ट टाइम तो एक अच्छा सजेशन भी है, सर जेरोक्स मार के दे दो ना सबको फॉर्मेट. बट फॉर्मेट इज फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि पूरे फॉर्मेट की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं. And to be fair enough, ना exam में format नहीं मिलने वाला है. I want you to write it every lecture, every question. Please avoid preparing the format and coming in the classroom and no Xerox copies. मुझे मिला ना ऐसा कुछ तो मैं तो ले लूँगा, ठीक है ना? थोड़े लोगों के ना दिमाग अपने से ज़्यादा ही भागते हैं. First,
Okay, have a look here. Now, what is the flexibility I'm talking about? And I want you to be there. Working note number one, kiska hai? Goodwill. Working note number two, kiska hai? Capital reserve. Working note number three, kiska hai? Revenue reserve. And working note number four, kiska hai? Jo is question mein nahi hai. Pakka? Achha, balance sheet kiska bana rahe ho? Balance sheet of R and its subsidiary M as on 31st March 13. Particulars, note number, amount. I hope you know what you mean by the notes. Note number matlab working note number nahi hai. Jo notes banayenge hum log. Notes to schedules. First part kaun sa hoga balance sheet ka? Equity and what? Liabilities. Perfect, ekdam. Equity and liabilities is divided into how many parts? Three parts. First one, shareholders fund. Non-current liabilities, current liabilities. So first part I'll introduce. What is the first part I have now? One, shareholders fund. Perfect hai na? चलो अभी पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है अपने को एडिशन ब्लैंक एकदम फर्स्ट से पिक करो शेयर कैपिटल कितना है अपना 50 और बाजू वाले का शेयर कैपिटल देखने का नहीं अपने को बिकॉज वो शेयर कैपिटल कहाँ जाने वाला है इट विल गो टू वर्किंग नोट नंबर वन इट विल गो टू वर्किंग नोट नंबर फोर अपना शेयर अपने पास किसी और बाहर वालों का शेयर है तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं वन में भी फर्स्ट वन बुक वैल्यू ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट लेस व्हाट पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑलवेज इतना कॉन्स्टेंट ही होने लगा नथिंग विल चेंज हियर परफेक्ट है ना सो फर्स्ट वन हाउ मच इज द शेयर कैपिटल आई हैव 50 यहां पे लिख रहा हूं मैं शेयर कैपिटल अमाउंटिंग टू हाउ मच 50 खाली अपना ही शेयर कैपिटल अपना होगा बाजू वाले का कुछ होगा ही नहीं मतलब कोई एडिशंस पॉसिबल नहीं यहाँ पे अपना सीधा डाल दो बैलेंस शीट के अंदर खत्म और नोट्स टू बैलेंस शीट है ना मैं लास्ट में ही बनाऊंगा और वो भी मूड होगा तो बनाऊंगा और मूड कब होगा जब तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम होगा तो समझा ना कितने घंटे का पेपर है पहले बैलेंस शीट बना दो टैली कर दो वर्किंग नोट्स कर दो सब कर दो एक पेज ब्लैंक रख दो पेज ब्लैंक रख दो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो सब कंप्लीट करके आओ फिर टाइम मिलेगा ना तो नोट्स टू बैलेंस शीट प्लीज आर वी क्लियर इफ यू डोंट राइट नोट्स टू बैलेंस शीट दे हैव अ राइट टू कट योर टू मार्क्स दे हैव अ राइट आई डोंट से दे विल हैव अ राइट बट आई गेस 98 आएगा तो तुम लोगों को किसी को बुरा नहीं लगेगा चलेगा ना ठीक है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैं भी नोट्स यहाँ पे आई विल स्टार्ट डूइंग इट इन 1, 2, 5 क्वेश्चंस मैक्स उसके बाद नोट्स नहीं बिकॉज नोट्स करते रहना तो यहाँ पे अपने 3 आवर्स के लेक्चर में गाइज एक दिन मैक्सिमम दो मैक्सिमम बोल रहा हूँ वो भी थोड़े हाई लेवल पे चले गए तो एक हो जाएगा अगर नोट्स बनाता रहूँ तो मैं क्लियर एकदम कंटिन्यूएशन टू इट सो शेयर कैपिटल डू वी हैव 50 और अपना बाजू वाले का शेयर कैपिटल कितना है वर्किंग नोट नंबर 5 शेयर कैपिटल कितना बोला तुम लोग ने 30 स्प्लिट 1 होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग और कौन सा तुम लोगों को दिख रहा है पता नहीं उन लोगों को तो दिख ही नहीं रहा होगा मैं तो अपने मूड में लिखे जा रहा हूँ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज शेयर वो पहले ही हम लोग डिराइव कर लेंगे कि कितना परसेंटेज शेयर है अभी यहाँ पे कितना परसेंट शेयर है तो अपना कितना फुल 30 यहाँ पे कितना ये क्वेश्चन के लिए ये सब एपिसोड लगता होगा बट वेन वी गो टू अ लेवल दिस ऑल विल बी वेरी यूटिलाइज तो यहाँ पे अपना 30 सो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर इज हाउ मच 30 So did we deal with the shares? Done. Chalo, next one.
बचे हुए जो हमारे पास नहीं है. परफेक्ट. चलो कंटिन्यूएशन ऑफ इट. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? रिजर्व्स. अपना रिजर्व्स कितना है? 10. रिजर्व्स, अपना रिजर्व्स वर्किंग नोट नंबर 3 में जाके लिख देंगे आप 10. किसका रिजर्व है ये? अपना. अपना रिजर्व्स, रिजर्व्स परफेक्ट है. सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व्स अपना भी है, माइनॉरिटी का भी है. तो जैसे आपने शेयर कैपिटल को स्प्लिट किया, वैसे हम लोग किसको स्प्लिट करेंगे? रिजर्व्स. अपना रिजर्व्स होगा वो वापस कहाँ लेके आएंगे? रिजर्व्स. और माइनॉरिटी का जो रिजर्व्स होगा वो कहाँ लेके जाएंगे? माइनॉरिटी. बराबर है कि नहीं? और ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है ना. थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, क्योंकि और कुछ है ही नहीं. तो कैन आई जस्ट क्लोज दिस रिजर्व का वर्किंग नोट और ये 10 में लेके आके कहाँ लिख दूंगा? रिजर्व्स. इज इट डन? चलो रिजर्व्स के बाद व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? मुझे नहीं मालूम है भाई ये कौन से लायबिलिटीज है, करंट है, नॉन करंट है, इसके अंदर के पार्ट्स क्या है, कुछ नहीं पता है. तो मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, व्हाट इज दैट? लायबिलिटीज. And I have a very good feeling by the time you all appear on examinations, your question itself will be in revised schedule 6. The question itself will be in revised schedule 6. Nahi hoga to alag baat hai, but 101% hona hi chahiye ab to. To aapko to wo point to point follow karna padega, kaun se head ke andar hai wo. To yahan pe jayenge liabilities. And how much is the amount of liabilities that we have? 40, 20. Total add karna hai. पॉइंट टू पॉइंट सब ऐड करके रख देना. तो हम लोग ने ये ऐड कर दिया, कितना हो गया ये? 60. खत्म. अच्छा, वी कैन हैव अ गुडविल और वी कैन हैव अ, पर यहाँ पे वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आराम से क्लोज कर रहा हूँ इसे. रीजन एक तो वी आर द ओनली होल्डिंग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही नहीं. एंड सेकेंड, ये मेरे शेयर्स का मेरा होल्डिंग वैल्यू कितना दिखा रहा है? 30. और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कितना दिखा रहा है? 30. नलीफाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. तो भी आगे चले जाते. चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट नाउ? फिक्स्ड असेट्स. सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज असेट्स. असेट्स का फर्स्ट पार्ट इज नॉन करंट असेट्स. और नॉन करंट असेट्स में व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फिक्स्ड असेट्स. नथिंग स्पेसिफाइड टू अस. यू विल अज्यूम दिस फिक्स्ड असेट्स टू बी टैंजिबल असेट्स. नथिंग स्पेसिफाइड. यू हैव टू assume it as tangible. And reason, goodwill आएगा तो उसको तो मैं fixed asset के total में नहीं डाल सकूंगा, because उसको तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? Intangible. अगर बाकी कुछ नहीं बोला है बाकी सब के लिए, तो मैं क्या assume कर लूंगा कि वो सब क्या है मेरे लिए? Tangibles. And how much is the tangible का total? 50, 40. Total कितना होता है? 90. Done. चलो next, investments. Can I say यहाँ पे आ जाएगा 30 minus 30. Answer is what? Nil. नेक्स्ट वन, करंट असेट्स. हेड नंबर टू, करंट असेट्स कितना? टोटल कर देना, ब्लैंक टोटल करना है सीधा अपने को. कितना है? 20. 10 टोटल बोलो. चलो 90 प्लस 30 बोलो, 120. ऊपर का टोटल बोलो. डज योर बैलेंस शीट टैली? इट हैज टू. दिस इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ आर विद इट्स सब्सिडियरी नोन एज व्हाट? एम.